वालेकुम अस्सलाम। आप जरा तमीज से बात करें, एक तो आप गलत कर रहे हैं इलाके में, आप गलत कर रहे हैं, ऊपर से एक बुजुर्ग आदमी की इंसल्ट कर रहे हैं आप। तुसी मेरी गल सुनो, हां तुसी मैडम दे बेटे नूं दवाई दिओ। हेलो, तमीज नहीं है आपको, ये मैडम का बेटा नहीं है। आप गौर से देखें, ये जावेद कोडू साहब है, हमारे टीवी थिएटर के बड़े फनकार, फिल्म के। पिछले 50 साल तो छोटे हो, वड्डे हो ही नहीं रहे तुसी। ये हमारी अदाकारा है, थिएटर की अदाकारा है। आप इनको बताएं, ये समझ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता आपकी आंख है कोडू साहब पर। नहीं नहीं, कहां आंख है, क्या हो गया आपको? अच्छा जी, ये राणा साहब को आप पर इतराज है कि आप खुद तो वन व्हीलिंग करते ही हैं। हाँ जी। आप खुद वन व्हीलिंग करते हैं, लोगों का ख्याल नहीं करते, ठीक है ना जी। आपने इनके बेटे को भी बिगाड़ रखा है जी। पाकिस्तान इनका था, कल्याण लगे, मेरा भी नाल था पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान आपका है, आप पाकिस्तान की कौम है, आप पाकिस्तान की पैदावार है, आप पाकिस्तान के नौजवान हैं, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मगर पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये तो नहीं है कि आप रातों को मोटरसाइकिल निकाल लें और सड़कों पर वन व्हीलिंग करें। कभी उस कंधे च बजे होंगे, कभी नाल दो मोटरसाइकिल होर लैके डुबे होंगे। डॉक्टर साहब तुहानू सिर्फ गल्लां आंदियां ने, एक ओदू साहब नूं बिठाओ मेरी टैंकी ते, अपनी जिंदगी दा भी ख्याल कर ते दूजियां दी भी। ओए थोड़ी देर दी जिंदगी है, इनू एंजॉय करो, इतना प्यार करो। किन्नी देर जाया ना करो, किन्नी देर जिंदगी है, किस्त च नहीं मुक जानी। कोडू साहब की कह रहे हैं, तमीज है, मेरे बाल साहब ने शिकायत ला के आए गल करने ली। देखिए मेरी बात सुने, कहना चाह रहे ने के अपनी जिंदगियां भी सेफ करो और किसी काम काज लगो, केड़े काम लगे। कोडू साहब आपने तो अपनी जिंदगी सेव कर ली दूसरी मरतबा, अब तीसरी और चौथी मरतबा है। असल में उनका इल्जाम ये भी है कि मेरे बेटे को खराब इसने किया है, ये इंजीनियर साहब के बेटे ने, तो उनके बेटे को बुला लेते हैं। चलो हैं, बुला लेते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, मेरे पहिया चुकन दे तराज है, उन्होंने जेडी ये सुवरे अत चुकी ओ नहीं किसी नु नजर आवे। बेवकूफ आदमी, ये क्या कह रहे हैं आप? की सही गंड उधर देखो तो सही, वो नहीं हो रहा सही तरह। उस लड़की की मोहब्बत है कोडू साहब, भाई जहर कोई भी खा सकता। ये मेरी जान है, इसके मैं लव करती हूं। मैं तो बैठी हूं, तो
ਕਲਾ ਸਮਝੇਗਾ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜੀ ਉਨਕਾ ਫੇਲ ਹੈ ਉਨਕਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਕੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨੇ ਆਪਕੋ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਕੋ ਅੰਕਲ ਉਹ ਆਪ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਅੰਕਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸਾਰ ਹੈ ਓਏ ਤੂੰ ਛੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਫਸ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਟੁੱਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਮਾਮੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਮੁੰਡੇ ਬਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰ ਦਾ ਸਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਲਈ ਜੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਹਾਣ ਦੇ ਜੀ बस 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 ये तो एक नया केस आ गया जावेद साहब कोडू साहब कि वो बता रहे हैं कि इंजीनियर साहब का ये बेटा इसने इनके बेटे को खराब किया वो बता रहे हैं कि नहीं वो तो अपनी मंगेतर को भी साथ बन मिलिंग पर वीवर्स ये कौन सा काम शुरू हो गया है कि अब लड़के नौजवान लड़के तो वन व्हीलिंग करते ही थे अब नौजवान लड़कियां भी उनके साथ इस खतरनाक धंधे में शामिल हो चुकी हैं इसको धंधे का लफ्ज़ इसलिए कहूँगा कि दुनिया का हर वो गलत काम जिसमें नुकसान ही नुकसान है उसे धंधे का नाम ही दिया जा सकता है लीजिए तो वो आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में हमने उनको भी बुलाया हुआ तो अभी पता चल जाता है वो अपनी मंगेतर नु नाल बह के पैया चुकदा हां ओ तौबा मेरी तौबा उस वेले मैं किथे होना उते अपनी मंगेतर नु बह के चुकदा है ताडी मंगेतर तानू चुकती है ये नहीं अगला पैया लीजिए तो आते हैं हमारे वो मेहमान इनका बेटा और उनकी मंगेतर ओहो सेनोरिटा आज तो मजा ही आ गया यार क्या मजा आया आज मजा आ गया आज तो रोड इतना साफ था बंदे ही नहीं था सही पता है मेरा ख्याल है सब लोग घरों में हैं अस्सलाम वालेकुम मलक साहब अब्बा जी ने साथ साथ हो जाओ तू ही चोली जा दे माशाल्लाह चोली जा दे अब्बा जी तुसी किधर इधर ए जे मेरा मुंडा मलक साहब ये मेरा जीना राम दीता ये आपका बेटा है जी ये तुम कितनी देर में पता लगा इस वाले सॉरी इधर सेनोरिटा ये मेरे पापा मरहूम पापा जानवर मिलने का कितना मजा आता है इतनी गाल करनी अब्बा बैठा है ना तो सिर खा जाना देखिए